लॉकडाउन में काम कम हो गया है, काम 4 गुना बढ़ गया है, स्पेशली हम जैसी हाउसवाइफ के लिए। कैसे? पहले एक बार चाय बनती थी, अब 4 बार चाय बनती है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। अब 4 बार चाय बनेगी तो 4 बार बर्तन भी तो धोने पड़ेंगे। ऊपर से घर में बैठे बैठे हम बोर हो रहे हैं, पति देव तो वो भी आज खीर खाने का मन है, बहुत दिनों से पनीर नहीं बना। ओ आज बारिश हो रही है, पकौड़े मिल जाते तो आहा हा हा हा। तो क्या खीर पकौड़े में टाइम नहीं लगता है? चुटकी बजा के बनते हैं खीर पकौड़े। अरे मम्मा, नमस्कार, व्हेन आर यू इज हियर, मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक मेरा बेटा ही मेरी हेल्प करता है और बाकी सब तो काम बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ आयु और ये आपका अपना चैनल मास्टर आयु। पोछा लगाने में तो बड़ा मजा आता है। आयु ये क्या कर रहे हो बेटा? आ आ आ, सॉरी मम्मा, मैं तो पोछा लगा रहा था। पोछा लगाना तो मम्मी को पसंद नहीं आया, अब क्या करूं? आइडिया, कपड़े धो देता हूँ, वो तो बड़ा आसान होता है। कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर डालो, वॉशिंग पाउडर डालो, पानी ऑन कर दो और बस धुल गए कपड़े। चलो बेड ठीक करना है, कपड़े भी फोल्ड। आयु यहाँ कपड़े थे बेटा फोल्डिंग के लिए, कहाँ गए वो? फोल्डिंग के लिए? हाँ, मैंने यहाँ रखे थे कपड़े फोल्ड करने के लिए। वो गीले हैं। नहीं बेटा, वो सूखे हुए थे, गए कहाँ? वही तो, अब गीले हैं, मैंने उनको वॉशिंग मशीन में धो दिया। आयु बेटा नहीं, ये आइडिया भी फेल हो गया, अब क्या करूं? अरे खाना बनाने का टाइम हो गया, मैं किचन में मम्मी की हेल्प करता हूँ। सवाल तो इतने ही बहादुर हूँ, दुनिया ही बदल मैं तो प्यार से चमत्कार। आयु ये क्या कर रहे हो बेटा? मम्मा मैं आटा गूंद रहा हूँ, ये 15 मिनट से कढ़ी जैसा हो रहा है, गाढ़ा ही नहीं हो रहा। हाँ दुख गया मेरा। आयु ये ऐसे आटा गूंथते हैं बेटा, इसका करना क्या है, हलवा बनाना है कि रोटी बनाना है? आज तो मार खाते खाते बचा हूँ, अब मुझे संभल के काम करना पड़ेगा। गूगल में चेक करता हूँ सब्जी कैसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ानी है, फिर गैस ऑन करना है और फिर सब्जियां काटनी। लेकिन अगर मैंने चाकू पकड़ा तो मम्मी नहीं छोड़ेंगी। छोड़ो, मैं कोई और काम कर लेता हूँ, ये काम मम्मा को करने दो। चलो बहुत हो गया, बाप रे आयु ने तो परेशान ही कर दिया, खाना बनाने चलती हूँ। क्या सब्जी बनाऊं, ये कढ़ाई यहाँ किसने चला दी? मम्मा दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा, पता नहीं कैसे गैस ऑन रह गई थी। मम्मा, हाँ बेटा बोलो ना। वो मुझसे ऑन रह गई थी, मैं आपकी हेल्प करना चाहता था। बेटा अभी आप छोटे हो, गैस क्यों ऑन करने गए थे? बेटा आप किचन में क्यों गए थे? अभी आपको गैस ऑन करना नहीं चाहिए बेटा, अब अभी आप छोटे हो, इसीलिए तो बोलते हैं, जिसका काम उसी को साधे, दूजा करे तो भद्दा लागे।